Childrens, welcome to class 3rd. Today we will discuss about the revision of chapter 1 and chapter 2. So chapter 1 is, first question is, tick the correct option. A galaxy is a group of, galaxy एक group है किसका, many stars का. The third planet from the sun is, थर्ड प्लैनेट सन का कौन सा है, अर्थ है. द प्लैनेट विच हैज़ नो मून इज, जो एक ऐसा प्लैनेट जो जिसके पास मून नहीं है, मरकरी. द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ ऑन इट इज, एक ऐसा प्लैनेट जिस पर लाइफ है, अर्थ है. अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन, एक अर्थ जो है कंप्लीट करता अपने रोटेशन को 24 आवर्स में. यह आपका हो गया टिक द करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स. फर्स्ट, द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज मरकरी. प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट जो सन के करीब होता है, मरकरी. आवर सेकेंड, आवर अर्थ इज बिटवीन द प्लैनेट वेनस एंड मार्स. हमारा अर्थ जो है जो वेनस और मार्स के बीच में है. द फर्स्ट फोर प्लैनेट आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट. जो फर्स्ट पहले के फोर प्लैनेट्स होते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं. जुपिटर इज एक गैस प्लैनेट है. द मून इज द अर्थ. मून जो है अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है. ओके, फिर ट्रू एंड फॉल्स. राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. द मून इज मच स्मॉलर देन द अर्थ. मून जो है वो अर्थ से बहुत छोटा है. ट्रू है. द अर्थ इज फ्लैट इन शेप. अर्थ फ्लैट है शेप में. नो, फॉल्स है. 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. 71% जो है वो अर्थ हमारी वाटर से कवर्ड है. ट्रू है. द मून हैज एयर एंड लाइट. चांद के पास हवा और लाइट है. नो, नो बडी एज इट लैंडेड ऑन द मून. कोई नहीं जानता कि मून पे ज़मीन है. सही. नो, मैच द टू कॉलम्स. मरकरी का क्या होगा, गैस प्लैनेट. नेपच्यून, सॉरी, मरकरी का टेरेस्ट्रियल प्लैनेट. नेपच्यून गैस प्लैनेट. मून एयरलेस एंड लाइफलेस. सन स्टार. अर्थ लिक्विड वाटर. इसके बाद हम शॉर्ट आंसर देखते हैं. इसमें आप लोग सिर्फ शॉर्ट आंसर तैयार करेंगे बेटा. हाउ बिग इज़ द यूनिवर्स. यूनिवर्स कितना बड़ा है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवर गैलेक्सी. हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है. नेम द प्लैनेट फार्देस्ट फ्रॉम द सन. एक ऐसे प्लैनेट का है जो सन से बहुत दूर है. व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द अर्थ. अर्थ का दूसरा नाम क्या है. अर्थ को और हम क्या कह सकते हैं. ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर. एंड सेकंड चैप्टर हम देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन. द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ इज द पैसिफिक. ओके, सबसे लार्जेस्ट ओशन अर्थ का कौन सा है, पैसिफिक है. द स्मॉलेस्ट ओशन ऑन द अर्थ इज द अर्कटिक. ओके, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ. स्मॉलेस्ट ओशन अर्थ का कौन सा है, आर्कटिक है. लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अर्थ का क्या है, एशिया है. सबसे लार्जेस्ट महाद्वीप जो है अर्थ का, एशिया है. द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ. और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है अर्थ का, ऑस्ट्रेलिया. विच मैप शो स्टेट एंड नेशनल बाउंड्रीज. कौन सा मैप है जो शो करता है स्टेट को, नेशनल बाउंड्रीज को, पॉलिटिकल मैप्स. ओके, सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स. द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द वर्ड ग्लोबस. लैटिन वर्ड ग्लोबस. जो हमारा ग्लोब आया है वो लैटिन वर्ड ग्लोबस से आया है. फिजिकल ग्लोब शो लैंडस्केप लाइक माउंटेन एंड रिवर्स. हमारा जो फिजिकल ग्लोब्स होता है वो शो करता है लैंडस्केप को, जैसे माउंटेन्स और रिवर्स. ए ग्लोब कांट बी कैरिड अवे ईजली. हम ग्लोब को कहीं भी ले जा नहीं सकते ईजली.
प्रेसिपिटेशन इंक्लूड रेन एंड स्नो। प्रेसिपिटेशन किस चीज़ को इंक्लूड करता है? रेन को और स्नो को। मोस्ट मैप है नॉर्थ एट देयर टॉप। मैप्स जो हैं ज़्यादातर नॉर्थ, उसके नॉर्थ के ही टॉप पर होते हैं। इनके टॉप पर हमेशा नॉर्थ ही होता है। ट्रू एंड फॉल्स। पॉलिटिकल ग्लोब शो कंट्रीज। पॉलिटिकल ग्लोब्स कंट्रीज को शो करती है, ये रॉन्ग है, फॉल्स। ए ग्लोब हैज़ नो शॉर्ट कमिंग। ग्लोब का कोई शॉर्ट कमिंग नहीं है, फॉल्स है। ए मैप इज़ ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस। मैप को हम एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट है। रोड मैप्स शो ओनली एयरपोर्ट, फॉल्स है। रोड मैप जो होता है वो एयरपोर्ट को शो करेगा, नो, फॉल्स। अफ्रीका इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन साइज। अफ्रीका एक लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है साइज में, रॉन्ग है, फॉल्स। मैच द कॉलम देखेंगे। मैप का होगा फ्लैट सरफेस, एशिया, कॉन्टिनेंट, मैप रीडिंग, सिंबल्स, ग्लोब, स्फीयर, वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, ओशंस। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। नेम द टू कॉमन टाइप्स ऑफ ग्लोब्स। आपको ग्लोब्स के कोई दो कॉमन नेम बताने हैं। व्हाट डू पॉलिटिकल मैप शो। पॉलिटिकल मैप क्या शो करता है? विच मैप शो प्रेसिपिटेशन। कौन सा मैप है जो प्रेसिपिटेशन को शो करता है? वाई इज लैंडमार्क हाईलाइटेड इन ए स्केच मैप। लैंडमार्क को क्यों हम हाईलाइट करते हैं स्केच मैप में? ओके बच्चों, ये आपका रिवीजन वर्क हो गया ईवीएस का। इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेंस।